मैं आपका दोस्त फौजी लक्ष्मण सिंह हूँ और मैं मेरा आज का टॉपिक है डिफेंस एकेडमियों के बारे में बताना है कि आप किस डिफेंस को चूज करो। तो प्लीज मेरी वीडियो को आप अंत तक देखना और जिसको फौजी बनना है वो स्पेशली अंत तक देखें, नहीं तो मेरी वीडियो को आप प्लीज अवॉइड कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी तक जिसने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें और पास वाले बेल आइकन को दबाएं। तो दोस्तों मैंने यूट्यूब के माध्यम से बताना है कि आप डिफेंस एकेडमियों को कैसे चूज करें। हाँ, फौजी बनना सब चाहता है तो मैं यही बताऊंगा कि डिफेंस कैसी होनी चाहिए और किस तरीके की होनी चाहिए। तो सबसे फर्स्ट मेरा ये कहना है मेरे भाइयों से कि आप 17 से 21 साल के एज में होते हो, आपको डिफेंस का चूज करने का तरीका आप लोगों को शायद नहीं पता होगा। आप वही डिफेंस चूज करते हो जिसमें 5 मंजिल बनी हो और फैसिलिटी से आप एकदम कूलर फ्रीज सब, मतलब कि आपको एकदम पानी ठंडा चिल मिल रहा है और सोने के लिए अच्छे गद्दे हो, अच्छे लेट बाथ हो, तो आप इस चीज को देख के आप डिफेंस को चूज करते हो। प्लीज दोस्तों इस चीज को 5 स्टार जैसी मतलब कि होटल की जो फैसिलिटीज होती है उस चीज को देख के आप डिफेंस को कभी चूज ना करें, क्योंकि जो 5 स्टार जैसी होटलों के डिफेंस में रह के जो प्रैक्टिस करता है वो कभी फौजी नहीं बन पाता। फौजी रफ एंड टफ चीजों पे रहता है क्योंकि सिलेक्टेड होने के बाद उसे पहाड़ मिलते हैं, जंगल मिलते हैं, ना कि 5 स्टार होटल मिलती है, सोने को बिस्तर मिलते हैं और बिस्तर पे एक पतली सी कंबल मिलती है। तो प्लीज वैसी डिफेंस होगा बिल्कुल भी आप चूज ना करें। और मैं बताता हूँ कि आप 5 स्टार जैसे होटलों को चूज होटल डिफेंस को चूज करते हो, उस डिफेंस में आप ये देखते हो कि यार जब आप चूज करने जाते हो आप ये देखते हो सिलेक्टेड इसमें 200 बंदे हो रखे हैं हर साल। तो दोस्तों आप ये चीज नहीं बताते हो, आपको जो बताने जैसे कहते हैं देखो इस डिफेंस में 200 बंदे सिलेक्टेड हुए, आपको वो चीज नहीं बताते कि उस साल उस डिफेंस में 1000 बंदे थे। तो भाइयों 1000 डिफेंस होती है और वहां पे 200 बंदे सिलेक्टेड होते हैं, ये आम बात है। आप भी खोल के देख सकते हो डिफेंस और वहां पे 1000 बंदे इकट्ठे करो और आपके 2 बंदे इकट्ठे होंगे, और वो 1000 बंदे इसलिए डिफेंस इकट्ठे होते हैं कि उन डिफेंसों की 12th तक स्कूल होती है। तो जब बंदा 11th 12th क्लियर हो जाता है तो वो आपके पेरेंट्स को बताते हैं कि हमारे पास डिफेंस है और हम इन्हें आर्मी में लगाएंगे। तो भाइयों हर साल डिफेंस से उसी स्कूल से पढ़े हुए 500-600 बंदे उस डिफेंस में जाते हैं, और 200-300 बंदे आप जैसे देख के उस वीडियो की यार इसमें तो 200 बंदे सिलेक्टेड होते हैं। तो दोस्तों इस चीज को आप बिल्कुल पॉइंट को नोट करना, आप 1000 बंदे उस डिफेंस में होते हैं हर साल और उसमें से 200 बंदे सिलेक्टेड होने बहुत आम बात है दोस्तों। तो प्लीज जिसको भी फौजी बनना आप फैसिलिटी को ना देखें, फैसिलिटी देखने से कुछ नहीं होता। आप उस डिफेंस में जाइए जहां पे 200-150 बंदे हो, तो आपको साल का उसका रेशियो भी देखना चाहिए कि इस डिफेंस के अंदर पिछले साल कितने बंदे थे और कितने सिलेक्टेड हुए। तो मैं यही कहूंगा दोस्तों, हाँ आप जब डिफेंस चूज करते हो 2 चीजें बिल्कुल देखो, एक तो ट्रेनर, दूसरा उसकी डाइट। डाइट अच्छी होनी चाहिए, डाइट अच्छी होगी शरीर में लगेगा और आप बिल्कुल मेहनत करोगे। ट्रेनर अच्छा होगा, ट्रेनिंग अच्छी कराएगा, आप वो गद्दे लाइटें फैन कूलर का पानी बिल्कुल भी ना देखो भाई, डाइट। और वो देखो मैंने काफी डिफेंस देखी है अपने रास्ता में, सीकर, झुंझुनू, यूपी के अंदर, एमपी के अंदर। प्लीज भाइयों डिफेंस वही चूज करो जिसमें बंदे कम हो, आपको ट्रेनर मेहनत अच्छी करा सके, वहां पे डाइट है। अब वो डिफेंस बिल्कुल ना देखो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनी हो और आप देख रहे हो वाह यार यहाँ पे अच्छे गद्दे अच्छी हर चीज है। तो प्लीज ऐसी डिफेंसों में बिल्कुल मत जाए। डिफेंसों के अंदर 2 ही चीज बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बता दी, खाना और ट्रेनर। तो और उन डिफेंसों आप बोलोगे कि आप कमेंट्स भी करोगे कि उन डिफेंसों में सर 1000 बंदे के, उन 1000 बंदे वही हैं जो 11th 12th में स्टडी करते हैं और वहां के जो बंदे इतने माइंडसेट होते हैं आपके जो उन स्कूलों के, आपके पेरेंट्स को ये बोलेंगे हम डिफेंस में लगाएंगे और आपके पेरेंट्सों को वो रिजल्ट दिखाएंगे कि 1000 बंदे, मतलब वो नहीं बताएंगे 1000 बंदे थे हमारे पास, बोलेंगे पिछले साल हमारे 200 बंदे सिलेक्टेड हुए और आपके पेरेंट्स आपको उसी डिफेंस के अंदर छोड़ के चले जाएंगे। तो दोस्तों आप उनकी जब ऑफिस में जाओगे आपको अच्छा पानी पिलाएंगे, आपके पेरेंट्स को बताएंगे देखिए हमारे डिफेंस में है। तो प्लीज आप वैसे बहकावे में प्लीज ना आए। भाइयों फौजी वही बनता है जिसके पास फटे हुए जूते होते हैं, फटी हुई किट होती है और बिल्कुल अपनी धूप के अंदर अपने शरीर को तरसता है, वही बंदा फौजी बनता है। आप ऐसी कूलर फ्रीज में मतलब फ्रीज का पानी पी के बिल्कुल आप फौजी नहीं बन सकते हो। प्लीज मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो कमेंट करना, शेयर करना और लाइक करना। मैं ये कहूंगा कि मुझे जितना पता है और जितना मैं देखता हूँ उतना ही मैं बताता हूँ, मैं देखता हूँ फिर मैं वीडियो बनाता हूँ, ना कि मैं बकने लगता हूँ यूट्यूब के सामने। मैं कुछ वैसी चीजें नहीं बकता, देखता हूँ और मैंने वो चीजें फील की है तभी मैं आपको बताता हूँ। मेरी यूथ को प्लीज कमेंट करते रहना, शेयर करते रहना और चैनल को लाइक बिल्कुल करना और अपने दोस्तों को ओके खिलाते रहना। ओके दोस्तों, जय हिंद।